is rolling, the ratio of the translational energy to total kinetic energy. अब अगर स्फीयर रोल कर रहा, इसमें बताया नहीं कि सॉलिड है कि होलो है, तो स्फीयर मतलब सॉलिड, स्फीयर मतलब सॉलिड. अगर ये सॉलिड स्फीयर है, इज रोलिंग, द रेशियो ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, अगर रोल कर रहा है तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल होगा वो हाफ एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्लियर है? अब अगर ये रोल कर रहा है, ठीक है, तो इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन हो तो हाफ एम बी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ एम बी स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, सॉलिड स्फीयर, बताया नहीं गया, सॉलिड लूंगा, यह जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, और ये वेलोसिटी वी स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर है आर स्क्वायर को, और इसका मतलब ये हुआ कि 2 ने 2 को, ठीक है, तो 5 एम बी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ बचा हम लोगों को, ठीक है, एम बी स्क्वायर बाई 2 और प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो यह आ जाएगा 7 एम बी स्क्वायर बाई 10, 7 एम बी स्क्वायर बाई 10, दैट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और ट्रांसलेशन का, तो किसका किसका रेशियो निकालना, तो देखो, ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ द ट्रांसलेशनल टू टोटल, तो ट्रांसलेशनल टू टोटल, तो ट्रांसलेशनल और डिवाइडेड बाई टोटल, तो ट्रांसलेशनल का आ गया हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, और रोटेशन का आ गया इधर 7 एम बी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कर दूँ, ये उधर गया 10 ऊपर गया, तो एम बी स्क्वायर एम बी स्क्वायर को ये आ जाएगा 5, मतलब 5/7, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, तो 5/7 जो है वो रेशियो आ जाएगी, ठीक है, तो 5/7 मतलब डी ऑप्शन सही है, ठीक है.